हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, हमने एक रिसेंटली एक प्रोडक्ट मंगाया, मतलब एक रिंग लाइट मंगाई है अपनी वीडियो शूट करने के लिए, ताकि वीडियो में जो मतलब कलर्स हैं या लाइट्स वगैरह आए चेहरे पर अच्छी आए। तो मैंने एक रिंग लाइट मंगाई है विद स्टैंड के साथ, जिसमें आप मतलब पूरा मोबाइल स्टैंड है या फिर कम मतलब आप चाहें तो उसमें अपना कैमरा भी होल्ड कर सकते हैं और मोबाइल को भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये स्टैंड के साथ है पूरा, ट्राईपॉड पूरा इसमें आया है हमारे पास, ठीक है। तो मैं सारा कुछ अनबॉक्सिंग करूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसी कैसी क्वालिटी होने वाली है और कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है साथ मेरा, ठीक है। तो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो में आप तक बन जाइए। अपन करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो स्टार्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये इस तरह की पैकिंग में देखिए हमारे पास आया है, ठीक है। तो अमेजोन ने इसे हमें डिलीवर किया है। तो सबसे पहले अपन साइड से इसकी पैकिंग मतलब जो पैकिंग है उसको खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो मैं ब्लेड से कट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको अपन बाहर निकल, तो काफ़ी बड़ा बॉक्स है, छोटा नहीं है, आपको दिख रहा होगा छोटा, लेकिन काफ़ी बड़ा बॉक्स है, क्योंकि इसमें हमारा ट्राईपॉड भी है, एक स्टैंड है और इसमें रिंग लाइट भी है। रिंग लाइट जो है मैंने मंगाई है वो 14 इंची की है, ठीक है। तो मतलब और बात मतलब 14 इंची की तो है, वो 15 वाट की है, ठीक है। 15 वाट की होने वाली है, एक बड़ी मतलब रिंग लाइट है। तो मेरे को लगा मतलब मैंने ये सोचा कि भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अपन को मिले, इसलिए मैंने 15 वाट की मंगाई है। और भी बड़ी आती है बट ये मेरे लिए सफिशिएंट है। और इसमें ट्राईपॉड भी मिलेगा, तो देखिए जो साइड में जो बॉक्स आया उसमें ट्राईपॉड है और ये रिंग लाइट है। तो ये ओसाका की है, अमेजोन पे इसकी अच्छी खासी रेटिंग है, इसीलिए मैंने मंगाया इसको। तो इसमें शायद हमारा ट्राईपॉड होगा आई थिंक। तो इसको अपन खोलते हैं, इसकी यहाँ से टेपिंग को कट कर देते हैं, उसको खोलते हैं। तो इसमें आई थिंक हाँ हमारा शायद ट्राईपॉड ही है इसके अंदर। तो ये हमारा इसमें ट्राईपॉड दिया हुआ है, देख के लग नहीं रहा कि इसकी लेंथ ज़्यादा लंबी होगी, बट अपन इसको अभी पूरा यूज करके खोल के देखेंगे कि कितनी हाइट तक ये जा रहा है। वैसे हाइट मेरे ख्याल से इन लोगों ने क्लेम किया 6 फीट से ऊपर की हाइट तक ये चला जाता है, मतलब इतनी हाइट कवर करेगा। अब इसको अपन थोड़ा अभी करके देखते हैं, मतलब उसको ओपन करते हैं पूरी तरीके से, फिर देखते हैं। तो ये देखिए ओपन करा मैंने इसको, और इसको खोल लेते हैं ताकि ये ऊपर जाता चला जाए। सब तरफ से मैं लूज़ कर दिया, वैसे देखिए अभी लेंथ जा तो रही है इसकी कुछ लंबी, सबको मैंने यहाँ पे लूज़ कर दिया है ताकि पूरी तरीके से ओपन हो जाए। सारा लूज कर दिया, अब ये देखिए ये खुल गया इसका नीचे का ट्राईपॉड, तीनों जो इसके पैर हैं या स्टैंड बोलेंगे खुल चुके हैं और ये खड़ा हो गया है, ठीक है। अब इसकी हाइट को आप जितना चाहो, देखिए भाई मेरे से तो ऊपर निकल गया, मतलब 6 फीट की हाइट तो है इसमें, और भाई पकड़ने में भी लग रहा है कि हाँ थोड़ी क्वालिटी इसमें है। इनको भाई यहाँ से टाइट कर देते हैं अपन, और जितनी हाइट पे से रोकना उतनी हाइट पे अपन इसे फिर रोक पाएंगे। बाकी मतलब जो ऊपर है, ऊपर अभी सिर्फ नट दिया है, मतलब बोल्ट टाइप का दिया है, उसमें जो इसका अदर मैकेनिज्म है वो कसा आएगा, जैसे रिंग लाइट ऊपर इसमें फिट होगी। तो ये स्टैंड था, इसको मैंने साइड में रख दिया है। बाकी अब रिंग लाइट देखते हैं, ये रिंग लाइट है, तो इतनी बड़ी ये रिंग लाइट होने वाली है 14 इंची की, जैसे मैंने बताया। इसकी केबल भी इसमें दी हुई है, तो ये रिंग लाइट है, काफ़ी लाइट वेट है। तो LED की है, तो मतलब इसमें इतना कोई वजन तो नहीं होगा, क्वालिटी वापी मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। यहाँ पर इसमें देखिए मेंशन है, मतलब उसकी मतलब ब्रांडिंग हो रही है, सीधी बात है। ओसाका की है ये, डिजिटल OS 15 वाट की है, तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन है। और काफ़ी बढ़िया मतलब एक फिनिशिंग के साथ है ये, बहुत ही लाइट वेट है, बट ऐसा भी लगता है साला गिरेगी तो टूट ना जाए, बहुत लाइट वेट ये है। और अभी इसमें देखिए इसका रिमोट कंट्रोल है, इसमें सारा कुछ दिया है, प्लस माइनस आप लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो, और यहाँ बीच में जो बटन दिया है उससे मोड भी चेंज कर सकते हैं अपन। इसमें 3 प्रकार की लाइट हैं इसमें हमारे पास, तो एक हाफ वाइट, वॉम वाइट और एक फुल लाइट करके है, तो वो 3 कलर इसमें चलेंगे, मतलब अलग अलग जैसे आपके फेस पे सूट करे उस तरह की लाइट हम सेट यहाँ पर कर पाएंगे। तो एक मैग्नेट में ये दिया हुआ है बीच में, जो कि मोबाइल को होल्ड करने के लिए है, तो ये रिंग लाइट के आई थिंक बीच में ही कनेक्ट होगा। और एक ये दिया हुआ है हमें, ये मैंने मतलब मंगाया है, इसमें मेरे को मतलब 3 स्टैंड मिल रहे हैं, एक पोर्टेबल है टेबल के लिए, टेबल पे रख के मतलब मैं रिंग लाइट यूज कर सकता हूँ। और इसमें मैंने एक चीज़ और मंगाई है, जिसमें मतलब एक ब्लूटूथ स्टिक है, ताकि मैं दूर से ही अपनी वीडियो को रिमोटली मतलब स्टार्ट कर सकता हूँ, तो एक वो भी अलग से मंगाई है मैंने।
तो ये एक मैकेनिज्म दिया हुआ है जो कि मेरा जो छोटा वाला टेबल स्टैंड है शायद उसमें कनेक्ट होगा, और ये है वो जो मैंने सेल्फी स्टिक टाइप के बोल सकते हैं, मतलब ब्लूटूथ वाली एक बटन है जिससे मतलब वीडियो को मैं या फोटो को दूर से ही कैप्चर कर सकता हूँ, तो रिमोटली मैं इसको यूज कर पाऊँगा। तो इसमें देखिए शायद इसकी बैटरी अलग दी है, अपन इसको इसमें लगा देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फ़ोटो वीडियो मतलब स्टार्ट करने के लिए डायरेक्टली दिया है, तो ये बैटरी मेरे को इसमें लगाना पड़ेगी जब ये चालू होगा, तो अभी मैं जब यूज करूँगा तभी इसको डायरेक्ट मतलब बैटरी इसकी इसमें कनेक्ट कर दूँगा। तो मैंने ये मंगाया है, मुझे इसकी प्राइसिंग जो पड़ी है वो मतलब 1700 रुपये का ये मुझे पड़ा है, और इसमें तीनों चार चीज़ें आई हैं, स्टैंड भी आया है, रिंग लाइट आई है, और वो सेल्फी स्टिक आई है, और ये टेबल वाला स्टैंड भी आया है। तो ये जो है इसको हमें इसके ऊपर फिट करना है। पहले तो भाई जब मैंने इसको खोला तो मैं ही कन्फ्यूज था कि ये कहाँ से कहाँ लगेगा, मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये डायरेक्टली कैसे कनेक्ट होगा इसमें। फिर मैं थोड़ा सा इसका जो मैनुअल कार्ड है उसको देखा, और फिर मुझे समझ में आया कि भाई पहले मुझे रिंग लाइट को फिट करना है, तो मैं वही चीज़ यहाँ पे देख रहा था। और इसमें मैं थोड़ा आपको और बता दूं कि हमें इसमें मतलब और क्या क्या चीज़ें ऐसी देखने को मिलने वाली हैं। तो ये ट्राइपॉड है, इसमें थ्री कलर मोड दिए हुए हैं वीडियो शूटिंग के लिए, और जैसे आप इसको एक वार्म वाइट पे सेट कर लीजिए, हाफ वाइट पे कर लीजिए, फुल वाइट पे कर लीजिए। तो ये मेरी 14 इंची वाली है, और मैं इसमें आपको दिखाऊँ यहाँ पे एक कैमरा 360 कैमरा के लिए बहुत बटन मंगाई है, यहाँ पे उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। टेबल के लिए दिए केबलिंग वगैरह दिए यहाँ पे, और ये देखिए ये अलग से वो दिया हुआ है इसमें कनेक्ट करने के लिए, मतलब ये तो टेबल पे कंडक्ट के कनेक्ट करने के लिए है। और मैंने इसका सेटअप भी पूरा चेक करा, मतलब काफ़ी इजीली ये सेटअप हो जाता है, वैसे इसमें कोई इतनी दिक्कत आती नहीं है। मतलब इसमें केबल जो दिए USB केबल दिए, तो USB के थ्रू ही मतलब ये कनेक्ट होगी। अभी देखिए मैंने इसको इस पर कनेक्ट किया करके देख रहा था वैसे मैं, बट ये जो है मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बट ये टेबल स्टैंड जो उसके ऊपर कनेक्ट करने का है। देखिएगा इसमें कनेक्ट करूँगा तो जो बड़ा कैमरा होता है वो बड़ा कैमरा मैं इसके ऊपर डायरेक्टली फिट कर सकता हूँ, तो ये उस काम में मेरे आ जाएगा। बट मुझे अभी ये इस पर फिट नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली जो रिंग लाइट है वो रिंग लाइट इसके ऊपर फिट करना है। तो पहले मैं रिंग लाइट को इसे फिट करूँगा और फिर देखूँगा कि किस तरीके से दिख रही है। तो रिंग लाइट से फिट करके मैंने नीचे से कस दिया है, इसको टाइट कर दिया है, ठीक है। अब ये अब कसा जाएगा, तो बीच में देखिए एक अलग से दिया हुआ है कसने के लिए, तो जो मोबाइल स्टैंड था वो बीच में कसाएगा। ये मैंने मैनुअल कार्ड देखा उसके बाद ही मुझे कन्फर्म हुआ। तो इस तरह से इसका ये सेटअप होगा, अगर आप भी कर रहे हैं तो बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा, इसी तरीके से आप सेट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक कैमरा से ब्लूटूथ फॉर एंड्रॉयड iOS के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे मैं देखिए इसको फिट कर दे रहा हूँ, तो बीच में घुमा के इसको कस दिया इसमें, और फिर हम हमारा मोबाइल लगा कर भी देखेंगे। ये चीज़ें थोड़ी रिस्की लगती हैं, एक तो ये वो स्ट्रेच मतलब वैसी है, कहीं भी आप इसको वाइंड कर सकते हैं इजीली, तो किसी भी एंगल पर टिल्ट हो जाएगी। उस तरीके का इसमें मटेरियल यूज किया गया है, मतलब जो बीच में मोबाइल होल्ड करने के लिए दी है स्टिक अपन को। तो अभी मैंने इसको टाइट कर दिया है, और अभी भी घूम रहा था तो मैं हर तरफ से इनको कस दिया, फिर ये घूमना बंद हो गया। अब इसको मोबाइल के लिए जैसे अपन को यूज करना था, तो मैं इसको अभी अपन जिस एंगल पे मोबाइल को रखना है उस हिसाब से मतलब अपन इसको टिल्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये मतलब जो अपनी रिंग लाइट है वो स्टैंड के ऊपर मतलब ट्राईपोड के ऊपर फिट हो गई है। अभी मैं इसमें मोबाइल भी लगा देखता हूँ मोबाइल लगाने पर कैसी ये दिखती है। तो ये मैंने मोबाइल को फिट कर दिया, ठीक है। कैमरे को अपन चालू जब भी चाहें तो कर सकते हैं, और ये देखिए मैंने इसको टिल्ट अपने हिसाब से कर दिया है। बाकी अपन अभी थोड़ी देर के लिए मतलब इसकी जो रिंग लाइट है उसको जला के देखेंगे। तो मैं जो इसकी केबल है इसको थोड़ा खोल लेता हूँ, अभी तक मैंने खोली भी नहीं है, क्या अभी तो मैं अनबॉक्सिंग ही कर रहा हूँ, तो वो खुलेगी, अब खुल गई है। पीछे वाले वायर को ही खोल लेते हैं। इसमें डायरेक्टली USB पोर्ट दिया हुआ है, तो USB पोर्ट यहाँ भी है, वहाँ पर इसे कनेक्ट कर लीजिए। इसे सिर्फ 15 वाट का पावर ही चाहिए और ये नंबर जलना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, और फिर अपने चार्जर में इसको कनेक्ट कर देता हूँ। चार्जर से USB निकाल के वहाँ पे से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए तो ये जल गई है, काफ़ी इजीली जल गई है। और इसके कलर मोड जो है मैं यहाँ से देखिए, लाइट कम ज़्यादा भी हो सकती है शायद मोबाइल के कैमरे में पता ना चले, लेकिन कम ज़्यादा मैं कर सकता हूँ इसको। और इसकी लाइट के जो मोड हैं उनको ये देखिए कम की मैंने,
और ये लाइट के मोड चेंज किए, तो तीन मोड हैं कम ज़्यादा करके आप इन कर सकते हैं। ये वॉर्म वाइट है, हाफ वाइट है, फुल वाइट है। तो इस तरह से ये तीन कलर यहाँ पे मतलब चेंज भी कर सकते हैं अपन। बाकी इसको मैं अभी अपने मतलब एक रिकॉर्डिंग करते हुए भी मतलब पूरा चला के अपने सेटअप के पास रखता हूँ, फिर वहाँ देखते हैं। देखिए मैंने अपने सेटअप के पास रखा है और रिंग लाइट को जला के रखा हुआ है इस तरीके से। ये स्टैंड है, हाइट तो मैंने बताया इसको, हाइट अब 8 फुट तक मतलब 7 से 8 फुट ये कवर कर देगा आपका, ठीक है। और बाकी अब मैं देखिए इसका जो रिमोट कंट्रोल होने वाला है उससे लाइट को आपको एक बार क्लोजली थोड़ा दिखा देता हूँ किस तरीके से लाइट चेंज हो रही है। तो ये इसकी बटन है, ऑन ऑफ भी अपन यहीं से कर सकते हैं। तो ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, तीन मोड हैं इसमें कलर के। वॉम ये देखिए, एक ये ऑरेंज वाला है जिसको वॉम वाइट बोलेंगे, ये फुल लाइट है, और एक और इसमें हाफ लाइट करके है। तो ये तीन कलर मोड हैं, काफ़ी बढ़िया मेरे को रिंग लाइट ये लगी। अगर आप भी चाहें तो ज़रूर से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, मेरे को तो बड़ा मतलब ठीक ही लगा ये। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।